और हाथ एक एक हाथ रख के आना। हाँ हाथ रख के, हाँ ये राइट है। हाँ धीरे धीरे आ जाओ दोस्तों। ये है कलावंती दुर्ग जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। शिवाजी ने इसका नामांकन किया था। एक एक हाथ रख के आना। हाँ हाथ रख के, हाँ ये राइट है। हाँ धीरे धीरे आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, आप देख सकते हैं दोस्तों, अनुमान लगा सकते हैं क्या कितना डेंजरस ट्रैक है। और खासकर अप्रैल मई जून में यहाँ पे आना नहीं चाहिए मानसून के वजह से, क्योंकि दोस्तों इस दुर्ग का निर्माण शिवाजी महाराज ने मुगलों की निगरानी के लिए किया था। यहाँ पे इस दुर्ग के ऊपर बैठ के मुगलों की गतिविधियाँ देखी जाए, ऐसी व्यवस्था महाराज शिवाजी महाराज ने की थी। और इस दुर्ग का नाम शिवाजी महाराज ने अपनी पत्नी के नाम पे रखा था। दोस्तों यहाँ बीच बीच में एक दो टी स्टॉल है, देख सकते हैं आप वहाँ पे टी स्टॉल है, चाय वगैरह मिल जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये राइट साइड में प्रबलगढ़ है और लेफ्ट साइड में कलावंती दुर्ग। तो मैं अभी इधर जाऊंगा। आप कल्पना कर सकते हैं मैं इस वक्त कितनी ऊंचाई पे खड़ा हूं। बहुत ऊंचाई पे जाना है अभी, यहाँ से मैं चढ़ के आ चुका हूँ और अभी ऊंचाई पे चढ़ने वाला हूँ। आप देख सकते हैं पूरी की पूरा खड़ी चढ़ाई है। रास्ता भी, मौसम खराब है अभी फिलहाल, तो रास्ता जो है स्लिपरी हो गया है। मेरा जूता बहुत ही अच्छा ग्रिप वाला है, इस वजह से मुझे उतनी परेशानी नहीं हो रही है। जाओ मास्टर, तुम्हारे जैसा ट्रैकिंग कोई नहीं। नहीं नहीं आ जाओ। नहीं 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 स्वप्निल नहीं, मैं हूं। चले दोस्तों, मेरा यह सुझाव है कि जो पहली बार ट्रैक करने जा रहा है वो कलावंती दुर्ग का ट्रैक न करे, क्योंकि यह फर्स्ट टाइम ट्रैकर के लिए यह ट्रैक नहीं है। बहुत ही कष्टदायी और दुस्साहसिक यह ट्रैक है यार। रोमांच मुझ पे भारी पड़ रहा है, बहुत ही खतरनाक जो है यह जर्नी है, यह ट्रैक है। जैसा आप देख सकते हैं खड़ी चढ़ाई एकदम। ऊपर से बरसात ने और रास्ता को स्लिपरी बना दिया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय
शिवाजी महाराज की जय। दोस्तों मैंने पहले बहुत सारे ट्रैक किए हैं, अमरनाथ हो, केदारनाथ हो, हिमाचल हो, इस वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। कमजोर दिल वालों के लिए यह ट्रैक नहीं है, इसलिए इस ट्रैक को भारत का सबसे खतरनाक ट्रैक भी कहा जाता है। और यह मैं रोमांच जो है अपने जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। ओ गॉड, मैंने अपने जीवन में इतना ज़्यादा रोमांच कभी नहीं मिला मुझे। ये देखिए एकदम खड़ी चढ़ाई। बोलो शिवाजी महाराज की जय। दोस्तों देख सकते हैं इस ऊंचाई पे पहुंच के मुझको कितना आनंद आ रहा है। भारत की सबसे खतरनाक ट्रैक है यह कलावंती दुर्ग। एकदम खड़ी चढ़ाई है, देख सकते हैं आप। दोस्तों यह भारत का सबसे खतरनाक ट्रैक है कालावती दुर्ग, जिसे शिवाजी ने, महाराज शिवाजी ने इसे बनाया था। उन्होंने ही इस जगह को नाम दिया था कालावंती दुर्ग। यह रोमांच, यह स्ट्रिक को मैं जीवन में कभी भूल नहीं पाऊंगा। इस रोमांच को जैसा कि आप जानते हैं, पहाड़ों से मुझे प्यार है, जंगलों से मुझे प्यार है, एडवेंचर ट्रैक से मुझे प्यार है। इस वजह से मैं इस ट्रैक को करने यहाँ पे पहुँचा हूँ। बहुत खड़ी चढ़ाई है, 2300 मीटर ऊंचाई है। बरसात के मौसम में यह ट्रैक ना करें तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि सीढ़ियाँ जो है स्लिपरी हो जाती है। इस रोमांच को महसूस आप भी कर सकते हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे। मैंने यह ट्रैक करके बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया इसका ट्रैक करने का। पैसा वसूल ट्रैक है। इस ट्रैक को करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको पनवेल स्टेशन आना पड़ेगा, और पनवेल से आपको ठाकुरबाड़ी विलेज का ऑटो पकड़ना पड़ेगा, जो कि 15 किलोमीटर है, और वहां से ट्रैक स्टार्ट होता है। लगभग 5 घंटे का ट्रैक है यह, लेकिन बिगिनर्स जो ट्रेकर्स हैं उसके लिए यह ट्रैक नहीं है, क्योंकि यह भारत का सबसे खतरनाक ट्रैक है। इस वजह से बिगिनर्स यहाँ पे ना आए। जिन्हें आगे पीछे ट्रैक का अनुभव है वही यहाँ पे आए। अभी मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। ठीक है, मैं ऊपर पहुँच के मिलता हूँ आपसे। दोस्तों वीर शिवाजी ने इस दुर्ग का निर्माण कराया था ताकि इस ऊंचाई पर रह के मुगलों की गतिविधियों को देखा जा सके, और इन्होंने इस दुर्ग का नाम दिया था कालावंती दुर्ग, जो कि भारत का सबसे खतरनाक ट्रैक जो है कहा जाता है। कालावंती हाँ सर,
राधे भैया, 7 दिन उतर रहे हैं राधे भैया, 7 दिन बाद वापस आए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। कैसा लगा? आजाद तो हम हुए भाई, भाई साहब मजेदार, शाबाश, बिल्कुल। अभी बोले भाई साहब, मुश्किल हो गई, वो सोनगिरी वाला है। फाइनली मैं अभी इस पे चढ़ने वाला हूँ रस्सी द्वारा। यह टॉप है, लास्ट है कलावंती दुर्ग का। ऊंचाई पे पहुँच के कुछ अच्छा दिल को सुकून महसूस हो रहा है। लास्ट ऊंचाई पे शिवाजी महाराज की मूर्ति स्थापित की गई है, यह देख के मुझे बहुत ही खुशी हुई। अब मैं धीरे धीरे उतरना शुरू कर रहा हूँ। सो हे गाइस, वी आर ऑन द वन ऑफ द डेंजरस ट्रैक ऑफ इंडिया। पैर संभाल लेना बहुत अच्छा से। ये देखिए, ये खड़ा सीढ़ी है, इस खड़ा सीढ़ी पे अभी उतरे हैं हम। आ जाओ धीरे धीरे, आ जाओ भाई, और आप उल्टा आ रहे हो, घुर जाओ इधर, घुर जाओ, चेहरा इधर कर दो, और हाथ एक एक हाथ रख के आना। हाँ हाथ रख के, हाँ ये राइट है, हाँ धीरे धीरे आ जाओ, ग्रिप बना के आना, स्लिप। चलो यार चला जाए। इस खूबसूरत पहाड़ी से विदा लेते समय मुझे तकलीफ भी हो रही है,